हाय स्टूडेंट्स, वेलकम. आज अपन डिस्कस करेंगे फरवरी 25th, दैट मींस यस्टरडे शिफ्ट 2 के जो फिजिक्स का पेपर था उसके बारे में. टॉपिक बाय टॉपिक अपन चलते हैं, सारे क्वेश्चन देख लेते हैं और थोड़े उनका उनको कैसे अप्रोच करना था, कैसे सॉल्व करना था वो भी देख लेते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो यूनिट्स एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन आया है और इस क्वेश्चन के अंदर हमें डायमेंशन निकालने हैं फॉर द गिवन एक्सप्रेशन. इसके अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रिक ये है कि इसको आप क्विकली रिजॉल्व कैसे करेंगे. तो ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये फॉर्म अगर आप देखें तो आपको एक पोटेंशियल एनर्जी का, अगर आप याद करें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, तो इट्स क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स द डिस्टेंस, दैट इज द एनर्जी. सो कहने का मतलब है ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन हो गया एनर्जी टाइम्स डायमेंशन ऑफ लेंथ. सिमिलरली एस सी बाई लेमडा इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन. तो कहने का मतलब है एस सी के डायमेंशन भी एनर्जी टाइम्स डायमेंशन ऑफ द लेंथ. सो दैट मीन्स ओवरऑल दे कैंसिल ईच अदर आउट. वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. मूविंग ऑन, काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स से दो क्वेश्चन हैं. पहले क्वेश्चन के अंदर सिंपल वेक्टर अलजेब्रा है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए. तो आप ध्यान रखें, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, दे विल बी वैक्टर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, बट इफ स्टिल दोज टू वैक्टर्स आर इक्वल then there must be zero vector. कहने का मतलब है a cross b should be zero और a और b के बीच में angle zero होना चाहिए. Next वाला जो question है वो थोड़ा सा दो तीन step वाला question है, part by part है, ज़्यादा complexity नहीं है. मैंने इनको जो difficult mark किया है इसलिए mark किया है क्योंकि इसमें carefully आपको दो तीन step लिखने हैं. तो क्या given है, एक particle है जिसको किसी height से गिराया गया है और जब वो 5 meter नीचे descend करता है उस पॉइंट पे एक अनदर पार्टिकल जो कि इससे 25 मीटर नीचे है उसको रिलीज किया गया है. तो पहली बात तो ये कि पहले वाले पार्टिकल की 5 मीटर की हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी. तो सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लीजिए, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, और वो निकाल के आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ अदर पार्टिकल. जब दूसरा पार्टिकल रिलीज करते हैं तो पहले वाले की वेलोसिटी कितनी होगी. उसके बाद तो सिंपली s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर फॉर्मुलेशन यूज करके आप ये प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. द सेंटर ऑफ मास से एक क्वेश्चन देखा गया है. इसके अंदर वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, दो मैसेज हैं, दोनों की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम है. दैट मींस m1v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2v2 स्क्वायर इज 1, और इनके वेलोसिटीज का भी रेशियो गिवन है. पूछा गया है उनके मोमेंटम का क्या रेशियो है. इट्स अ वेरी सिंपल मैथ सिंपल मैथ प्रॉब्लम. देयर रोटेशन, इसके अंदर एक रोलिंग स्फीयर है जो उसके इंक्लाइन के ऊपर क्लाइम करता है. तो एज्यूमिंग दैट इट इज इन प्योर रोलिंग थ्रू आउट, तो पूछा गया है कि कितने मैक्सिमम हाइट पे ये पहुंचेगा. स्टैंडर्ड क्वेश्चन है अगर आप याद करें रोटेशन से. तो इसके अंदर जो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो, राइट. वो क्यों होता है, क्योंकि उसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है दैट इज नॉट मूविंग. दैट मीन्स यहां पर कोई डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड. तो इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक शुड बी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. फाइनल काइनेटिक इज जीरो, इनिशियल पोटेंशियल को आप जीरो मान सकते हैं यूजिंग ग्राउंड एज द रेफरेंस और यूजिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर एज द रेफरेंस, और उसे आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं. ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का ये जो सवाल है, एक सवाल है उसमें एक पार्टिकल है जिसको अर्थ से रिलीज किया गया है और वो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट गिवन है 10 R. बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, UI प्लस KI इक्वल्स टू UF प्लस KF. ध्यान इतना रखना है जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं एट द हाइट ऑफ 10 R यूजिंग फॉर्मुलेशन माइनस GMM बाय R, दैट R इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द पार्टिकल, राइट, और द बॉल. सो इन विच केस, so the distance from the center of the earth will be 11 R, not 10 R. इतना ही ध्यान रखना है, बाकी simple and straightforward है. Simple harmonic motion, तीन question देखे गए हैं. पहला question है moderate difficulty का है. एक आपको particle given है जो at time t equals to zero, एक particle है जिसका it is following the इसका जो path है it is following x equals to a sin omega t plus phi. ये oscillation गवर्न, ये इक्वेशन गवर्न करती है उसके ऑसिलेशन को. बोला ये गया है दैट एट टी इक्वल्स टू जीरो इट इज एट एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई टू. तो अगर आप इसके अंदर टी जीरो रख दें तो
तो आप देखेंगे कि आप दोनों साइड में a बाई टू इक्वल्स टू ए टाइम्स साइन ऑफ फाइव, तो फाइव की दो वैल्यू हो सकती हैं पाई बाई सिक्स एंड फाइव बाई फाइव पाई बाई सिक्स. अब कौन सी इसमें करेक्ट है, इसमें बताया गया है इट इज मूविंग टूवर्ड्स द मेन पोजिशन, कहने मतलब है इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, तो दैट मीन्स फाइव मस्ट बी फाइव पाई बाई सिक्स. क्यों, रिमेंबर व्हाट इज द वेलोसिटी, डी एक्स बाई डी टी दैट बी ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और उसको आप उसमें भी तो अगर ये उस पॉइंट पे अगर आपका फाइव पाई बाई सिक्स है तो कॉस ऑफ फाइव बाई सिक्स विल बी पॉजिटिव, बट दिस इज नेगेटिव हियर, तो इट शुड बी फाइव पाई बाई सिक्स. नेक्स्ट वाला सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक मास है दो स्प्रिंग्स हैं, इसका मतलब है इफेक्टिव स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज 4k, तो टाइम पीरियड ऑसिलेशन का सिंपली हो जाएगा m 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई 4k. नेक्स्ट वाला जो है इसमें गिवन है एक पार्टिकल इज मूविंग इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ये गिवन है कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इट इज अलोंग द x एक्सिस, देन एट टाइम t इक्वल्स टू 0.1 सेकंड इट इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, और उसका पूछा गया है कि उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, उसके एक्सीलरेशन का प्रोजेक्शन क्या होगा अलोंग द x एक्सिस. तो एक्सीलरेशन इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज रेडियल, तो दैट पार्ट इज सिंपल एंड इज गिवन बाय v स्क्वायर बाय r, और एट एंगल ऑफ 30 डिग्रीज इट विल बी a cosine ऑफ 30 डिग्रीज, दैट इज v स्क्वायर बाय r cosine 30. बट देन हाउ डू यू फाइंड द वेलोसिटी, वेल वी नो इट हैज कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया है r थीटा, राइट, थीटा इज 30 डिग्रीज, इतना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में 0.1 सेकंड में, तो आपका वी निकल जाएगा, यू कैन फाइंड द रेस्ट. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है वेव्स का, ट्रांसवर्स वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग है, पूछा ये गया है कि अगर हम टेंशन को चेंज करते हैं बाय 4% तो आपकी स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स कितने से चेंज होगी, तो रिकॉल v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t बाय म्यू. अब इसके अंदर अगर हमें चेंज इन परसेंटेज चेंज इन स्पीड निकालना है, तो फॉर स्मॉल चेंजेस इन टेंशन देन dv बाय v इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 1, सो dv बाय v इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 dt बाय t, राइट, सो दैट मींस इट विल बी 2% चेंज इन द स्पीड. आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में दो क्वेश्चंस हैं, दोनों ही रिलेटिवली सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है. पहले वाला है जिसके अंदर ये गिवन है कि एक गैस है विच फॉलोज सर्टेन प्रोसेस गिवन बाय पीवी टू द पावर 1 बाय 2, और पूछा गया है कि उसका टेम्परेचर T2 बाय T1 इनका रेशियो क्या होगा, तो इसके लिए आप पीवी टू द पावर 1 बाय 2 को आप उसको ट्रांसलेट कर लें यूजिंग द आइडियल गैस लॉ इन द टी वी टू द पावर माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट एंड देन यू कैन फाइंड द रेस्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं, तो अब सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. तो सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आपको डायटॉमिक मॉलिक्यूल गिवन है और उसकी रोटेशनल एनर्जी के बारे में पूछा गया है कि डज इट फॉलो द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा ये पूछा गया है क्या उसकी रोटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. तो एक बार देख लेते हैं कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, 3 ट्रांसलेशनल होती हैं, 2 रोटेशनल होती हैं, एंड इफ यू रिकॉल द इक्विपार्टीशन थ्योरम, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर हाफ के टी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो ट्रांसलेशन हो गई 3/2 kT और रोटेशन हो गई 2/2 kT, दैट इज सिंपली kT. तो ये स्टेटमेंट 2 तो रॉन्ग हुआ क्योंकि रोटेशनल तो हुआ kT और ट्रांसलेशन हुआ 3/2 kT, सो दिस स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. सो दैट मीन्स आर ऑप्शन सी इज करेक्ट. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं, 4 क्वेश्चन हैं, तो पहले से चालू करते हैं. दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, दो कनेक्टिंग स्फीयर्स हैं, दोनों में कुछ चार्ज है, दोनों स्मॉल स्फीयर्स हैं, अज्यूमिंग देयर आर द सेम रेडियाई, दोनों को टच करते हैं, फिर एक सर्टेन डिस्टेंस पे ले जाते हैं, पूछा गया फोर्स कितना है. तो पहला ट्रिक क्या है कि टच करेंगे तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, अगर उनका रेडियस सेम है तो उनके चार्जेस इक्वल हो जाएंगे, कहने का मतलब है दोनों पे 1 कूलम चार्ज आ जाएगा, फिर आप बाकी सिंपल यूजिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक और द कूलम्स लॉ यू कैन फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन देम. नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है सीमिंगली ट्रिकी है लेकिन है बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. ट्रिकी इसलिए है, पहली बात तो जो डायग्राम है इसके अंदर ये थोड़ा सा एरोनियस है, ऐसे डायग्राम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे बनाएंगे तो ऐसे देखने में लगता है कि ये जब इसने एंटर किया तो ये सेंट्रल प्लेन में था, एग्जिट किया तो भी सेंट्रल प्लेन में था. इन दैट केस यू वुड अज्यूम कि एनर्जी चेंज नहीं होगी बिकॉज अलोंग द सेंटर लाइन जो सेंट्रल प्लेन है बिटवीन द एक्सेलरेटर बिटवीन द कैपेसिटर, तो इक्विपोटेंशियल प्लेन है, तो उसमें फिर एनर्जी
अगर उसमें दोनों ही उसमें द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल एनर्जी वुड बी जीरो द नेट वर्क डन, बट ऐसा नहीं है तो इस डायग्राम पे मत जाइए। ये डायग्राम इतना ही कह रहा है कि एंटर करते वक्त उसका जो एंगल है वो अल्फा है, एग्जिट करते वक्त बीटा है, तो दोनों की रेशियो कितनी है, इतना ही गिवन है। अब वो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर से गया है या नीचे की तरफ निकला है, ऐसे करके गया है। तो इसके अंदर क्या चीज चेंज नहीं हो रही है, भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर गोज फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेट। सो कहने मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो इसकी जो वेलोसिटीज हैं यू कॉस अल्फा इज शुड बी इक्वल्स टू वी कॉस बीटा, तो वी और यू फाइनल और इनिशियल के बीच में आपको रेशियो मिल गई। और सिंपली अब काइनेटिक एनर्जी का रेशियोज क्या है, सिंपली द रेशियोज ऑफ देयर स्क्वायर्स ऑफ द वेलोसिटीज। ओके, नेक्स्ट वाला है। नेक्स्ट वाला देखने में ट्रिकी लगता है लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कभी भी ऐसे कोई वो आता है तो हमेशा क्या रखना है, एक थ्योरेटिकल वो बनाना है, अपना क्यूब बनाना है सच दैट कि इसके अंदर जो आपका चार्ज है उस थ्योरेटिकल क्यूब के सेंटर पे हो। अच्छी बात। तो कैसा इसमें बना सकते हैं, तो इमेजिन ए क्यूब और ये देखिए, सोचिए कि ये जो क्यूब है, गिवन क्यूब है, वो उसका 1/8 क्वाड्रेंट है, मतलब 1/8 वॉल्यूम है इसका। तो इन दैट केस यू कैन फिगर दैट पीस आउट, इट शुड बी क्यूब बाई 24 एप्सिलॉन जीरो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस को एक थ्रेड से लटकाया गया है और ये गिवन है कि वो एक ही पॉइंट से हिंस्ड हैं दोनों थ्रेड्स और वो एक डिस्टेंस पे 0.20 के मीटर पे रहते हैं। तो ये सिंपल फोर्स बैलेंस है, टेंशन है अलोंग द स्ट्रिंग विच हैज बोथ ए कॉम्पोनेंट इन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो आप फोर्स बैलेंस इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल करके अननोन फाइंड कर सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन है, ये जो डायग्राम है थोड़ा इनकम्प्लीट है। इसमें ये मान लीजिए कि जो ये I1 है इसी पॉइंट से ही एक करंट निकल रहा है I1, तो पूछा है कि दोनों का रेशियो क्या होगा, तो I1 टाइम्स 2 ओमेगा शुड बी इक्वल्स टू I2 टाइम्स 2 ओमेगा प्लस I2 टाइम्स 2 ओमेगा। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं इंडक्शन और LC। पहला क्वेश्चन है कि रेक्टिफायर का क्या काम है, फिल्टर का क्या है, बड़े सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन हैं, आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो है LCR सर्किट है, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आपको एक रेजोनेंस सर्किट के बारे में बताया गया है। बोला ये क्या है कि अगर आप कैपेसिटर निकाल दो, अगर आप उसमें से एक कैपेसिटर को रिमूव कर दो तो करंट लैग कर जाता है, लैग्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिएक्टेंस जो है बिकॉज ऑफ द इंडक्टर, द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड द रेजिस्टेंस दे आर द सेम। एंड दूसरे केस में आपका जब इंडक्टेंस रिमूव करते हैं देन द करंट लीड्स बाय द वोल्टेज बाय 45। कहने मतलब है वंस अगेन जो रिएक्टेंस है उसका अपने कैपेसिटेंस का दैट इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस। कहने मतलब है XL=XC। XL=XC मीन्स कि ये एक रेजोनेंट सर्किट है, तो इट इज सिंपली आपका इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया और इसके RMS वैल्यू कितनी हो गई, VRMS डिवाइडेड बाई R, तो दैट विल गिव अस 2 एम्पियर्स। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फेरोमैग्नेटिक का है। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर आपका मैग्नेटिक डायपोल्स जो कि एक क्लस्टर्स में रहते हैं, डोमेन्स में रहते हैं, जो कि अलाइन रहते हैं विद इन द डोमेन्स, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। देन अबव द क्यूरी टेम्परेचर इट डज बिकम ए पैरामैग्नेटिक। यहाँ बात की गई है बिलो द क्यूरी टेम्परेचर, सो दे आर अलाइंड विद इन द डोमेन्स। मॉडर्न फिजिक्स हैं, सारे बड़े ही ईजी सिंपल सवाल हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्वेश्चन है, दोनों पार्टिकल्स की स्पीड के बारे में बताया गया है कि स्पीड सेम है, पूछा गया है कि दोनों की रेशियो क्या होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। तो वेवलेंथ का याद रखें कि वेवलेंथ इज लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी और पी इज नथिंग बट MV, तो आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बड़ा सिंपल स्टैंडर्ड, SC/λ इज इक्वल्स टू EV प्लस फाई को यूज़ करना है। आपको फाई नहीं गिवन है बट दो कंडीशंस गिवन है आपको, λ1 के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है, फिर एक λ2 अननोन है जो फाइंड करना है, उसके लिए भी आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको HC की वैल्यू विच इज़ अप्रॉक्सीमेट 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर
वो यूज करेंगे, वो यूज करना पड़ेगा इफ दैट वैल्यू वॉज नॉट गिवन। टेक्स्ट वाला बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इक्वल्स टू 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 एन इक्वल्स टू वन ऑर्बिट, और उसमें वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड फोटोन कितनी होगी। तो इट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टाइम्स 1 माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर, सो 3 बाय 4 टाइम्स 13.6। तो वहां से आप निकाल सकते हैं, वंस अगेन एच सी की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है अपने एक्सरे फोटोन का है, कहा एक्सरे फोटोन और एक मास, तो बेसिकली मास एनर्जी और एक फोटोन की एनर्जी को बताया गया है, दे आर इक्वल। मास एनर्जी कितना होता है, एम सी स्क्वायर, मास एनर्जी, इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ मास, कि अगर वो मास पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो कितना होता है, एम सी स्क्वायर। तो वो रिलेशन यूज करके आप ये बड़े इजीली एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर का, उससे आगे चलते हैं। ये अपना कम्युनिकेशन पे एक क्वेश्चन है, इसमें ध्यान देता रखना है। पूछा गया है, ये एम्पलीट्यूड बताया गया है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, कैरियर सिग्नल को नहीं मॉड्यूलेट कर रहे हैं। तो वेवलेंथ पूछी गई है सिग्नल की, तो वेवलेंथ वही है जो वेवलेंथ आपकी ओरिजिनल कैरियर सिग्नल की है, सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, तो दैट शुड बी सी बाय एफ सी। विद दैट थैंक यू सो मच, और बने रहिएगा, और आज 26 वाले टॉपिक्स के बारे में भी, 26 के पेपर के बारे में भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।